देहरादून में राज्य के शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने मानसून सीजन के मद्देनजर सभी अधिकारियों को अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि उनकी ओर से अधिकारियों को संवेदनशील क्षेत्रों में जेसीबी तैनात रखने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि नदी नालों के साथ ही सभी क्षेत्रों में फॉगिंग करने की भी निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा सभी अधिकारियों को 24 घंटे मोबाइल ऑन रखते हुए सभी शिकायतों के तुरंत निस्तारण के भी निर्देश दिए गए हैं। देहरादून से ब्यूरो चीफ अमनीश गुप्ता की खास रिपोर्ट। देखिए, लगातार हम लोग बैठकें कर रहे हैं, हमारे अधिकारीगण बैठकें कर रहे हैं। मैं खुद लगातार कई जगह जाके स्थल निरीक्षण भी कर रहा हूँ। पहले तो हमने यही कहा था कि जो मानसून आने वाला है उसकी हमें पहले से तैयारी रखनी है। नदी नाले हमारे साफ होने चाहिए, फॉगिंग लगातार होनी चाहिए, और इसके साथ साथ जहाँ भी इस प्रकार की घटनाएं की संभावना है, चाहे वह जेसीबी लगाने की बात हो, चाहे पंप पहले से अपने पास रिजर्व करने की बात हो, ये पहले से व्यवस्था होनी चाहिए। और जो इस विभाग से संबंधित, इस विषय से संबंधित अनेक विभाग हैं, वो आपस में समन्वय बना के रखें। 24 घंटे हमारा फ़ोन ऑन होना चाहिए, क्योंकि हमारा ये क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र है, आपदाग्रस्त क्षेत्र है, सभी जगह इस प्रकार की जो समस्या आने वाली है वो हम चुनौती के रूप में लें, और उसके लिए हम अभी से काम करें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी बैठक ली है, आज भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी इसी बारे में चर्चा कर रहा था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का हमेशा फोकस इसीलिए है कि अधिकारीगण इसमें सचेत रहें, और मैं आग्रह कर रहा हूँ कि ये जो आने वाला समय है ये हमारे लिए 1-2-3 महीने बहुत चुनौतीपूर्ण रहने वाले हैं, हम उसको ठीक से पार करें।